हेलो एवरीवन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो लिखा होगा सब्सक्राइब उसको प्रेस करके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दोगे ताकि सारे न्यू वीडियो आपको मिल जाए। देखिए गाइस, जो उसको नींबू इतना पसंद है फ्रीज से निकाल कर खाती है और बाकी चीज़ खाती नहीं है, उसको वोमिटिंग आती है, कुछ भी दो। बट देखो कौन सा डांस करे आप। अरे बाप रे, अरे बाप रे, हाँ अरे वाह, हाँ करो, हाँ करो 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 करो। देखो खट्टे नहीं लगते बाबू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू सरोजी ब्लॉग। मैं हूँ रोजी। आई होप ऑल आर डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड। अभी लंच के टाइम से मेरा ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों स्टार्ट करूँ? आज ना मैं चिकन बनाऊँगी, सोची आपके साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले चलो किचन में चलते, क्या क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके तो चलो मेरे किचन में हम साथ साथ मिल के बनाएंगे। ओके आइए। सबसे पहले ये 750 ग्राम का ये चिकन है, मैं उसको टर्मरिक, थोड़ा सा रेड चिल्ली और थोड़ा सा सॉल्ट देके मैरिनेट करके रखी हूँ। हाफ एन आवर हो गया है। ओके तो अभी उसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ना उसका टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है। फ्राई करने से क्या होता है ना, चिकन का जो स्मेल रहता है वो उसका निकल जाता है उसमें। ये मेरा स्टाइल है, मैं इस टाइप का करके बनाती हूँ। तो तब तक हमारा चिकन का मसाला रेडी कर लेते हैं। ये मैं उसमें पोटैटो ऐड करूँगी, तो ये दो पोटैटो ली हूँ और ये ओनियन और ये गार्लिक, ये मसाला पीसने के लिए। इसको मैं पानी में थोड़ा सा भिगा के रखी हूँ ताकि ये जो छिलका है ना आसानी से निकल सके। ठीक है, तब तक मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। रेडी हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, हो गया। देखिए रेड कलर आ गया उसमें। अभी हमारी चिकन पूरा फ्राई हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको निकाल के इसी में हम अब खाओ बाबू। चलिए, हम ना जब से ये कोरोना निकला है ना हम चिकन खाना छोड़ दिए थे, तो आज से हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं। ये हमारा फ्राइड चिकन है, तो अभी उसमें यही सेम ऑयल में हम पोटैटो ऐड करेंगे। जो पोटैटो है ना, तो पोटैटो को हम इस बड़े बड़े साइज में काटना है। इसको जो फ्राई करेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। आलू को पूरा रेड होने तक उसको फ्राई करेंगे करेंगे। सॉरी, इसमें मेरा दाल हो रहा है और ये थोड़ा सा टर्मरिक। बाबू फ्रिज में क्या कर रहे हो? ये हो गया, उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। ओके कितना ताकत लगा के फ्रिज को खोल रहे, देखो। दिन में ये ना 10 बार आके खोलती है, मैं जब भी किचन में आऊँगी ना मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। इधर हमारा पोटैटो हो गया है, देखिए पूरा कैसे गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अभी उसको निकाल लेंगे। ये जो चिकन करी बनेगा उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ये बड़ा सा एक ओनियन है, उसको मैं स्लाइस करके रखी हूँ। इसके लिए जो गरम मसाला में क्या क्या चाहिए, ये है तेज़पत्ता, ये रेड चिल्ली, ये दालचीनी, ये इलायची, ये जावेत्री और इसमें एक
हो गया है इतने से। और इसको जो एक बड़ा इलायची दालचीनी और ये छोटे वाला इलायची, इसको मैं क्रश करके बाद में उसको ऐड करूँगी। यहाँ पर कोई भी पैकेट वाला गरम मसाला मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ओके, तो पेस्ट के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, इसमें मैं जीरा डाली हूँ और ओनियंस के बाहर की साइड में, ये है गार्लिक जिंजर या रे ओनियन, सारे मिला के हमको पेस्ट बनाना है। आपको जितना चाहिए उतनी पेस्ट ऐड करेंगे और बाकी सब फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हो। मैं एक आधा पीस के स्टोर कर लेती हूँ, मुझे ना आसानी होता है सब्जी बनाने में। ठीक है, तो यह इसको अभी हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पर हमारा सेम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल, ये हमारा गर्म हो गया है, तो अभी जितना खड़ा मसाला है ना उसको सारे ऐड करेंगे। और एक बात, ये मिर्ची आप जब भी तड़के में लगाओगे ना थोड़ा सा बीच में ऐसे ना कट करके डालोगे, नहीं तो क्या ना ऊपर में वो छिटका आता है। ठीक है, और ये बाकी जो ये गरम मसाला है इसमें ज़्यादा, कोई भी नॉन वेज आइटम ना इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। जितने भी गरम मसाला है हमारा क्रैकल होने लगा है, तो अभी हम स्लाइस किया हुआ ओनियन ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा ओनियन ज़्यादा जाता है। देखिए 750 ग्राम के चिकन में मैं कितना सारे ली हूँ, अगर आपका चिकन का क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ओनियन लोगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, तब तक हम मसाला रेडी करेंगे। ये हमारा मसाला रेडी है, उसको ग्राइंड करेंगे। अभी से उसका खुशबू आना शुरू हुआ है, क्योंकि उसमें जो गरम मसाला ऐड किए ना, दालचीनी और इलायची जाबे थे, उसका खुशबू आ रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करेंगे। ये रहा जिंजर और गार्लिक ओनियन का पेस्ट, जितना चाहिए था चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से मैं उतनी ली हूँ। इसमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा जाता है, अगर मसाला आपको कम खाना पसंद है तो आप कम यूज़ कर सकते हो, बट नॉनवेज में थोड़ा सा मसाला ज़्यादा जाता है तभी उसका टेस्ट ना पूरा निखर के आता है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो गाइस, मैं इसमें क्या ऐड नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर जो हम खड़े मसाला रखे थे ना, इसको अभी यहाँ पर कूट लेंगे। अब ये मसाला हो गया है, अभी जितना भी ड्राई स्पाइस ऐसे सब ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा ये कश्मीरी रेड चिल्ली कलर के लिए, आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, बट मैं ऐड कर रही हूँ आज। ये कोरिएंडर पाउडर, ये स्पाइसी वाला रेड चिली है, चिकन थोड़ा सा स्पाइस बनेगा आज। टेस्ट के अनुसार ये सॉल्ट, गैज आपको मसाला को ना हम लगातार चलाना चाहिए, जितना फ्राई करोगे उतना उसका टेस्ट आता है।
इधर हमारा मसाला हो रहा है, इधर हमारा चिकन पूरा रेडी है कढ़ाई में जाने के लिए, थोड़ा सा जोक था। और ये पोटैटो भी उछल रहा है कढ़ाई में जाने के लिए, सब कुछ अभी उसका टाइम आएगा, तब तक हम मसाले को फ्राई करते रहेंगे। मसाला अभी आधा हमारा रेडी हो गया है, इसी स्टेज में हम ये फ्राइड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। जितना भी जूस था उसको सारे ऐड कर देंगे। अच्छे से पूरा मसाला से चिकन को पूरा कोट कर लेंगे। यहाँ पर फिर से लीड को उठा के देखेंगे, देखिए हमारा चिकन में जो ऑयल था ना ऊपर की तरफ से पूरा आ गया है। ठीक है, तो अभी हम पटाटो ऐड नहीं करेंगे, बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि पटाटो थोड़ा सा जल्दी बॉयल हो जाता है, ऑलरेडी वो फ्राइड किया हुआ है तो उसको बाद में ऐड करेंगे। अभी थोड़ा सा पानी ऐड देके फिर कवर करके छोड़ देंगे एक बार, वो धीरे धीरे पकता रहेगा उसमें। अभी फिर से लीड को उठा के देखेंगे, अब इसको बार बार वही करना है, लीड से ढकना है, फिर देखिए कितना सारा ऑयल निकल रहा है। कलर तो मस्त आया उसमें। बाबू आपको खाओगे चिकन, बताओ। और एक बार उसको लेट को कवर करके छोड़ देंगे, ये हमारा लास्ट कवर करके छोड़ेंगे, बाकी पोटैटो और पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरा करी बन रही है। ओके, तो देख सकते हैं आसपास उसका कितना साफ है, मैं अभी कितना सारा कीचड़ था यहाँ पर, सॉरी कीचड़ नहीं, पूरा प्याज की छिलका वगैरह सब कुछ था, मैं उसको सारे क्लीन कर दी। जब भी आप किचन में काम करोगे ना, साथ के साथ क्लीन कर दिया करो, तभी आपको इतना बर्डन नहीं होगा किचन साफ करना है। ठीक है, तो उधर मेरी करी बन रहा है, इधर मेरे किचन देखिए आप कितना क्लीन है, हो गया। और यहाँ पर मैं मटका, आजकल हम ना मटका का पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी अवॉइड कर रहे, वो इतना भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। ठीक है, आप भी कोशिश करिए मटका का पानी पीने के लिए। ये जो क्रॉस करके रखे थे ना, ये गरम मसाला, ये इसको अभी डाल देंगे, तो पोटैटो भी ऐड कर देंगे। सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इधर मैं गर्म पानी बिठाई हूँ, ये गर्म पानी हम चिकन की करी में ऐड करेंगे, क्योंकि ठंडा पानी ऐड करने से ना चिकन का जो बॉयल होने का प्रोसेस ये स्टॉप हो जाता है, तो इसीलिए आप हमेशा ना बॉयल वाटर इसमें ऐड करेंगे, ये एक टिप्स है। आप अगर रोटी के साथ खाओगे ना तो इतनी ही ग्रेवी रखोगे, ठीक है, हम इसको राइस के साथ खाएंगे, थोड़ा सा हम ग्रेवी रखेंगे। आपको जितना ग्रेवी खाना है उसके हिसाब से आप पानी ऐड करोगे। देखिए गर्म पानी डालने से कितना हमारा जो बॉइलिंग प्रोसेस है ठीक है, तुरंत बॉयल आ गया उसमें। हमको इतनी ग्रेवी चाहिए, और भी थोड़ा सा पोटैटो बॉयल होगा, चिकन बॉयल होगा, और ये एक्चुअली रेसिपी के नाम है चिकन आलू का ये झोल बन रहा है, तो इसको कवर करके छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद देखोगे, आफ्टर 10 मिनट करी विल बी रेडी। यहाँ पर मैं सलाद बना रही हूँ, ये नॉर्मली जैसी ये खीरा है ऐसे रफली कट कर रही हूँ,
ये ओनियन है, ग्रीन चिली है, ये थोड़ा सा रेड चिली है, ये दही है, बस सारे मिक्स कर लेंगे। हो गया हमारा सलाद रेडी। अभी देख चेक करेंगे हमारा पोटैटो बॉयल हुआ कि नहीं है। हाँ बॉयल हो गया है, ग्रेवी हमारा थिक हो गया है। अभी हमारा करी पूरा रेडी है, अभी गैस को ऑफ कर देंगे, ये हमारा करी रेडी है, रेडी टू सर्व। चलो एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ चिकन आलू की झोल, आप लोग भी एंजॉय करिए। ओके ये रहा गाइस हमारा लंच का थाली, ये स्टीम राइस, ये मैंगो हमेशा हमारी थाली में दिखेगा आपको समर सीजन में, ये है सलाद और ये है चिकन और पोटैटो की करी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग भी एंजॉय करिए ये पिक्चर के थ्रू से, हम भी एंजॉय करते हैं हमारे खाने को। ओके कैसा लगा ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई करोगे और मेरे साथ शेयर करोगे। ओके यहाँ तक मेरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। फिर मिलते हैं न्यू अनदर ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू साइरोजी ब्लॉग, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ये मुझे काम करने दीजिए।